सो हीरो तो रेडी है, बट वेयर इज माय क्रू? निकलता हूँ। ज्ञान, वो ये उल्टा क्यों रखा भाई? तू मेरी पीठ पीछे उल्टी हरकतें करता है। सो पूजा ने अपने नए गमले सेट कर दिए हैं एंड साथ ही साथ उसने ये नए स्टैंड्स भी लिए हैं, तो बस गार्डनिंग हमारी सेट होते जा रही है। एंड साथ ही साथ उसको मिला है नया फोक, इससे वो नूडल्स खा सकती है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, ये उसको इन स्टैंड के साथ फ्री मिला है, वरना इससे पहले पूजा फोक्स के फोक जो घर का फोक होता है ना उसके साथ लगी थी, और उसको मैं बोल भी रहा था कि वो द फोक, इसके साथ कौन गार्डनिंग करता बेचारा, वो कमज़ोर सा फोक जो था कमज़ोर हो चुका था। अब ये मिल गया औजार, इससे ये इनको खाद खिलाएगी। मतलब वैसे तो ये क्या करने के लिए यूज़ होता है, इसको मिट्टी खोदने के लिए यूज़ होता है। मतलब ऐसे जो वो है ना थोड़ी, इसको टाइम टू टाइम आपको ऐसे करते रहना चाहिए, इससे प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। और पानी भी जब डालते हैं तो वो पानी डालने के बाद जो होता है ना यूजुअली मिट्टी वो ऐसे बैठ सी जाती है, जैसे अगर ये नीचे देखोगे ये एयर चली जाती है ना, तो ये इसको गुडाई बोलते ताकि इसके अंदर एयर जाए, तो ये टाइम टू टाइम। पहले पूजा बेचारे फूक के साथ लगी थी कमज़ोर जैसा, वो टेढ़ा हो गया था क्योंकि कभी कभी मिट्टी हो जाती काफ़ी सख्त। अब ये इससे करो इसको, अब मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं मज़ा आ रहा है। आराम से कर रहे थे, खुद खुद क्यों कूद रहे तो। और ये वो रहा मासूम सा फोक जिसकी जगह किचन में थी, बट पूजा ने इसके किया बेरहमी से इसको टेढ़ा कर दिया। शुक्र है फ्री में वो मिल गया इसका। आजकल ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना कमेंट कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, फिर मुझे समझ आया क्यों, क्योंकि मेरा फ़ैन ख़राब हो गया जो मैं ठीक कराने लेके जा रहा हूँ। सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का आज, अब ये मेरे से ठीक हो नहीं सकता, वैसे तो मैं कर देता हूँ बट कुछ चीज़ माना पूजा मैं आलसी हूँ, पर तुम अलसी क्यों मंगा रहे हो, क्या होएगा अलसी से? फ्लैक्स सीड्स, उससे आलसी पन ठीक हो जाता है, इतना आलसी भी नहीं। मैं मतलब क्या, मैं ठीक कराने लेके जा रहा हूँ तो पूजा मुझको बोल रही है कि आलसी ले जाओ, आलसी यू पूजा, आलसी यू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। एंड कल ज्ञान का हेयर कट तो हो गया था, मेरा होने वाला क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था एंड मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता था अपने नंबर के लिए, सो मैंने सोचा उसको आज निपटाया जाए। साथ ही साथ मुझे कुछ चीज़ें भी ठीक कराने को दे के आनी है, तो वह बस निकलता हूँ। ज्ञान, ये उल्टा क्यों रखा भाई? तो मेरी पीठ पीछे उल्टी हरकतें करता है, पता नहीं इनको कैसे पता लग गया कि मैं यहाँ बाल कटाने आ रहा हूँ, बट इनको ये नहीं पता कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शूट नहीं कर सकता। वैसे मेरी भी ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेयर कट से। सो हीरो तो रेडी है, बट वेयर इज़ माय क्रू? तो हेयर कट मैंने ले लिया एंड मैं हेयर कट लेने के लिए अभी भी पुराने ही इलाके आ रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है। हेयर कट कराने के लिए मैं अभी भी पुराने इलाके आ रहा हूँ, तो कंसिडरिंग माई हेयर एंड माई टेक्स्चर मैं कहीं से भी करा सकता हूँ, क्योंकि पता ही है कितनी फसल बची है। बट वो ये कि अब जहाँ मैं आता हूँ, पहले जहाँ मैं आता था उन्होंने मुझे अपना लिया है और मैंने भी उन्हें अपना लिया है ना, तो फिर वही होता है ना, दूसरी जगह जाओ एक तो वो बोलते सारा ये करा लो वो करा लो ये करा लो, तो मैं वो वाला काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ कि मैं फेशियल ये सब वो कराऊँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस वजह से मैं अभी भी यहीं आता हूँ, क्योंकि फिर वही है ऐसे ना कभी कभी आप अपने आप को अपना नहीं पाते, जैसे मैं अपने बालों की सच्चाई को अपना नहीं पाता हूँ कभी कभी। कभी कभी मैं बहुत सोचता हूँ कि पैच लगवा लूँ या हेयर वो करा लूँ, आप क्या सोचते हैं मुझे ये बताओ, फिर मैं देखता हूँ मैं भी कुछ आगे कंसीडर कर सकता हूँ। बट वो ये कभी कभी थॉट आता है और फिर वो थॉट थम भी जाता है, बट वो यहाँ पे शूटिंग चल रही है एंड आपको पता होगा, कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता कि मुझे भी वैसे शूट करने का एक्सपीरियंस है। जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज में कॉलेज डेज में था तो मैं हिमाचली सॉन्ग्स और पंजाबी सॉन्ग्स में बैकग्राउंड डांसर काम किया करता था, एंड मोर ओवर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था वो था रणबीर कपूर के साथ एक एड फिल्म जो मैंने की थी निशान माइक्रा की, जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो उसके बारे में मैं फ़िलहाल किसी और दिन आराम से बताऊँगा, लंबी कहानी है वो, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कहानी लीव अ कमेंट।
फिलहाल के लिए मैं अपने सोच रहा हूँ एक सबसे बड़े क्रिटिक है उनके पास जाता हूँ, क्रिटिक इन अ गुड वे, सनी भैया, वो आज कल अकेले हैं तो मैं उनका हाल चाल पूछ के आता हूँ, बट वो मुझे ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मैंने क्योंकि अभी स्पेशली फ्रेशली ग्रूम हुआ तो उनको दिखाना चाहता हूँ 100 की फ़र्क हैगा। वो हमेशा मेरे को एज अ वो मेरे क्रिटिक हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो मेरे को ब्लॉग के बारे में बताते हैं एंड बूट देते हैं और मुझे स्पेशली ग्रूमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो उनके पास जाता हूँ उनका हाल चाल भी पूछ के आता हूँ क्योंकि अकेले हैं आजकल, सो अपना पढ़ा है तो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं वैसे फ़ोन तो करता रहता हूँ पर फेस टू फेस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं फ़िलहाल आया हूँ अपने पुराने फ्लैट में क्योंकि अब मुझसे खुला रह गया, पता नहीं जिन्होंने पेंट का काम करा उनसे खुला रह गया, और ये जो शीशे का ग्लास था ये टूट गया क्योंकि शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है, तब ये ठीक तो करा के देना ही पड़ेगा। ये तो शीशे का नाप तो दे दिया है, जब तक वो आ रहे हैं मैंने सोचा सफाई कर लेता हूँ, घर काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि हमारे को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है ये घर छोड़े हुए, लास्ट मंथ इसमें हमने पेंट कराया था एंड वो ये कि मैं हिमाचल चले गया था तो थोड़ा रेंट का फिर से लटका रह गया, बट ये कि इस महीने तो उसको किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा, मैंने बाहर लगा भी दिया है, आते हैं कोई फ़ोन पर, हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, सो जस्ट वेटिंग, तब तक मैं थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ क्योंकि घर तो अपना ही है तो सफाई रखते हैं जब तक कोई दूसरा नहीं आता है। बस वही है कि मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि गर्मी बहुत, बट सीरियसली गर्मी बहुत है, टेम्परेचर कम है बट ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप सोचते हो कि हमेशा कंप्लेन करता रहता है गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, बट सच में मानो मेरी बात यकीन किया करो। सो क्लास तो लग गया बट क्लास के चक्कर में जब मेरी क्लास लगी ना वेट करते करते क्योंकि सच्ची बोल रहा बहुत गर्मी है, ऊपर से पंखे भी नहीं है भाई, आजकल कुछ भी छोटा सा छोटा काम भी कराना ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बंदे आते नहीं काम करने के लिए, मैं खुद जाके पहले भी मैंने बोला था किसी को वो आया नहीं, फिर आज फोन किया आज भी वो फ्री नहीं था, फिर मैं दूसरी दुकान गया वहाँ से उसको लेके आया अपने सामने खड़े होकर काम कराया और फिर उसका नतीजा क्लास लग गया, पर मेरी क्लास ज़रूर लगी है। आजकल एक और चीज़ दी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो है पंजाबी बोलण की, मैनू पंजाब च रेंदे हो गए ने 10 साल, ठीक है, उदा तो मेरे बड़े मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं पंजाब च, पर उही गल है कि हुण मैनू पंजाब च रेंदे हो गए इन्ने साल ते आपां अगे भी इत्थे ही रहना, तो मैं कोशिश करे कि जिन्नी ज़्यादा मैं अपनी पंजाबी सुधार लिया उन्ना ही चंगा, तो तुसी मैनू दस्यो कि किद्दां मेरी प्रैक्टिस चल रही है, कुछ मैनू सुझाव सुझूवां तुहाडे कोल तो वह भी दसो क्योंकि हुण मैं इत्थे ही रहना क्योंकि साढ़े दो फ्लैट हैगे हुण इत्थे, ते इदां तां मैनू 10 साल हो गए ने पर मेरी पंजाबी होई हैगी टुटी फुटी, जिदा कि मेरी हिमाचली हैगी ना टूटी फुटी, उदा ही मेरी पंजाबी का भी उही हाल है, उही हाल है, तो बस उही प्रैक्टिस चल रही, मैं सोचा कि तुहाडे नाल अपनी प्रैक्टिस शेयर करा, दस्यो मैनू फिर। जैसे ही मैं रोड हिट करता हूँ ना मुझे पता नहीं कौन सी वो फीलिंग हो जाती है, मुझे रोड का नशा है, मेरा मन करता है कि मैं ड्राइव करे जाऊँ कहीं दूर निकल जाऊँ पहाड़ों में या चले जाऊँ ड्राइव पे, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मुझे ड्राइविंग का इतना शौक है कि मैं जैसे ही सड़क पे गाड़ी मेरी पहुंचती है तो मेरा बस मन करता है चले चलो एंड अपने जो क्रिटिक भाई हैं वो तो अभी अवेलेबल थे नहीं, बिजी हैं वो, तो मैं बस अपने घर जाता हूँ और अपने सबसे बड़े क्रिटिक से पूछता हूँ। तो यहाँ तक के लिए ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, आप भी अगर कमेंट करना चाहें क्रिटिक बनना चाहें तो प्लीज़ डू सो, आई विल अप्रिशिएट इट, थैंक यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।